हजूर ने अज बख्शिश की। आरंभ विच कहने सलोक महला तीजा। वैसे सलोक का अर्थ हुंदा खुशी का, गीते का अर्थ भी हुंदा। ये तीसरे गुरुदेव धन गुरु अमरदास जी के बचन ने। सतगुरु कहने सज्जन मिले सज्जना जिन सतगुर नाल प्यार। सज्जन मिले सज्जना ये लफ्ज बने सत जान तो। एक दूजे दे सुहिरद जेड़े ने हजूर कहिंदे ने कि जिन्हां दा गुरु नाल प्यार है, इहदे अर्थ इह तों करांगे जिन सतगुर नाल प्यार। जिन्हां शरीरां दा जिन्हां मनुखां दा सतगुरु नाल प्यार है, वह सत संगी सज्जन एक दूजे नूं मिलदे ने। फिर बिनती सज्जन मिले सज्जना, वह सज्जन उन्हां गुरमुखां सज्जना नूं आपस विच मिलदे ने, मित्रता बनांदे ने। किन्हां दी? जिन सतगुर नाल प्यार, जिन्हां सज्जना दा सतगुरु नाल प्यार है। महाराज फिर कहिंदे ने उन्हां दी आपस विच जिहड़ी मित्रता है उस दा मकसद की है। गुरु जी अगे कहिंदे मिल प्रीतम तिन्नी त्याया। उन्होंने आपस विच मिल के आपस विच बैठ के प्यारे प्रीतम वाहगुरु जी दे नाम नूं त्याया है, उहदा सिमरन कीता है। मिल प्रीतम तिन्नी त्याया सच्चै प्रेम प्यार। उस सच्चे परमात्मा दे प्रेम विच भेज के, उहदे प्यार विच भेज के सिख सिख नूं मिलदा है। सिद्धे अर्थ करा, बंदगी करन वाला उस बंदे नूं मिल रहा है जिहड़ा रब नूं मुहब्बत करदा है। ते जदों आपस विच मिलदे ने गुरमुखो, सच इह वे कि एक दूजे नूं मिलदिआं सार इहनां नूं गुरु दी याद आ जांदी, परमात्मा दी याद आउंदी, परमेश्वर दी याद आउंदी। क्योंकि इत्थे दोनों पक्ख रखे ने सलोक च। मैं थोड़ा जिहा आरंभ विच इहदी अर्थ कर दिंदा। एक शब्द तुसीं गुरु इह जोटे मिलदे आ, एक है सुरजन, दूसरा है दुरजन। एक है गुरमुख, दूसरा है मनमुख। सनमुख भी है, मनमुख भी है, गुरमुख भी है ते मनमुख भी है। एक शब्द है संत, दूजा है साकत। सच एवे दोनों की बिरती विच बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। उंज वैसे साड़ी अरदास का यह हिस्सा है जिथे असी गुरु तो नाम सिमरन भजन मंगने अरदास विच, उथे जदो असी नानक नाम चढ़दी कला कहने। क्योंकि उंज वैसे अरदास जो शब्द लिखे ने वह पूरे कहने चाहिए। मैं बेनती करा घट्टो घट सवेरे शामी जे गुरुद्वारे ने घर विच भी हो, अरदास सानू मुकम्मल करनी चाहिए। हुण कई वारी मैनू पता है जे तुसीं संखेप भी कर सकदे, पर एक वारी घट्टो घट दिने सवेरे शामी अपनी निजी अरदास विच पूरे पदे पढ़ो। क्योंकि उस विच उन्हां उन्हां गुरमुखां दा जिक्र है जिहड़े पुरजा पुरजा कट मरे पर सी भी नहीं उचारन कीते। उन्हां याद जरूर करना चाहीदा रोज। ते साडी अरदास दे कोई शब्द ऐसे ने कि तुसीं बाकी विच शब्द छोटे मोट थोड़ा कर सकदे हो, पर यह शब्द तुसी कदी नहीं छड़ सकते कि नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा पला। इस तो पहला एक मंग है, मत्था टेकन तो पहला वो मंग है सही प्यारे मेल। ओ गुरमुख प्यारे सानू मिलाई, जिन्ना मिलिया तेरा नाम चेता वै, जिन्ना नू मिल के जिन्ना दी सोबत करके तेरा नाम चेतिया, जिन्हां नूं मिल के परमात्मा तू याद आवे, जिन्हां नूं मिल के अंदर दी वासना खत्म हो जाए। इहनूं सतगुरु ने बाणी विच कहा कि जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वंझे आ सज्जन। सज्जन मिले सज्जना जिन्हां दिसंदड़िया दुरमत वंझे, मित्र असाजड़े सही हों टुंडेंदी जग सभाया जां नानक विरले कई। कहिंदे पर खैण विरले ज्यादा नहीं, मैं इह सज्जन लभण तुरी आ। उन शेख साहब जी ने मित्रता दोस्ती यार शब्द मैं परसों भी शायद कहा सी यार ते जार दोनों विच, क्योंकि हुण यार लफ्ज दे अर्थ बहुत गलत किते जांदे। शब्द बड़ा पवित्र है, इहदी वरतों गलत पासे वरतन करके।
शेख सादी कहिंदा जितनी मर्जी किसी नाल नेड़ता होवे मित्रता होवे दोस्ती होवे उनू अपना अंदर ना दही जिस दिन तेरा दुश्मन बन गया बहुत नुकसान करेगा। पर मैनू ये गल फिट नहीं बैठी। दुनियावी तौर ते ठीक है भी अपना अंदर ना दही सज्जन नू दोस्त नू, पर गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदा नहीं कपट है। फरीद कहिंदा जे मैं तेनू यार सज्जन कह दिता है तेरे तो कुछ भी मैं लकावां ते मैं रब दा देनदार होवांगा। मेरा जिस्म इस तरह कोलियों ते सड़ के कोले बन जाए जिवें अग दे उत्ते मजीठ सड़दा। उन्हां कहा कुछ लुकाई ना। शेख सादी कहिंदा भी लुका ले कुछ। वो सलोक है फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया, जे मेरा मित्र घर च आया ते मैं ओदे तो लकाई रखा कपट करा मैं उनू गल असलियत ना दसा। फरीदा जे मैं हुंदा वारिया मिता आयड़िया हेड़ा जलै मजीठ ज्यों उपर अंगारा। इस तरह रब्बा मेरा तन सड़ जाए जे मैं मित्र नाल कपट करदा होवां तां। इहदा मतलब इत्थे मित्रता दी सतगुरु ने शब्द वरत्या। हजूर ने ऐसे भी ने जी गुरमुख प्यारे जिन्हां दी नाम करके मित्रता बनी बंदगी करके मित्रता बनी। सच ए वे कि ओ मित्रता अखीरले समय तक उन्हां चोले भी कट्टे छड्डे। आप नूं पता भाई बिधी चंद जी ने किवें चलाना कीता, क्योंकि असीं सारे भाई साहब दा नाम तां सुणने ना भाई बिधी चंद जी दा। गुरु हरगोबिंद साहिब दे वेले बड़ी सेवा कीती। गुरु रामदास जी दे सिख भाई अदली दी संगत करके ओ सिख बने सन। एक कीरतपुर साहिब सन गुरु हरगोबिंद साहिब कोल जिहड़े बुढ़न शाह जी होए ने, जिन की कीरतपुर जिन्हां दा स्थान है गुरु नानक साहिब दे वेले ते गुरु हरगोबिंद साहिब दे वेले तक ओ जींदे रहे। उन्हां दा एक मुरीद सी सुंदर शाह, ओ कीरतपुर साहिब आया ते गुरु हरगोबिंद साहिब दा ते ए मुरीद ही सी ए संप्रदाय कह लो जां इन्हां दी गद्दी। भाई बिधी चंद नाल दी मुहब्बत बन गई, प्यार बन गया। सिमरन भजन गुरु दे गल्लां ते ओ कल्लियां गल्लां नहीं समझी, ओ तुर अंदर भी मिले हुए सन। अंतर आत्मा जो मिले मिलिया कई ऐसे। बाहरों तो असीं रोज सारे मिलने हैं। गुरमुखो खिमा करियो, घर दी इक छत थले परिवार दे जीवी रोज मिलने हैं, पर एक छत थले मिलने दे बावजूद अंदर साढ़े फिर भी नहीं मिलते होंगे। अंदर जड़े ने जड़ा अंतर आत्मा मिलिया है ना वो ही असल च मिलिया है। जे होर टेक के देखो जड़ा तुर अंदर तो मिलिया है ओदी शरीरिक दूरी होण दे बावजूद भी मिलिया रहिंदा है। जिहड़ा अंदरों नहीं मिलिया शरीर दे नेड़े होण दे बावजूद भी कदी नहीं मिलदा। इह इकट्ठे बैठना है ना। भाई सुंदर शाह ने गल कह दित्ती, कहन लगे बिधी चंद तुसीं मैनूं मुहब्बत करदे हो, मैं हुण चलां वां अपने स्थान ते। अयोध्या नेड़े दिओ नगर है जिथे इन्हां दा स्थान सी। कहन लगे मैं चलां वां, तू मेरा मित्र है ते गुरबाणी कहिंदी मित्र साथ नहीं छड्डदा। मेरे नाल वादा कर असीं दुनिया कत्थी छड्ड के जावांगे। इह बड़े कमाल दी घटना है जी, असीं कट्ठे चोला छड्डांगे। भाई बिधी चंद कहिंदे है तां हुक्म दी खेड, पर तेरे नाल वादा कीता दुनिया तो तुरांगे आपे कट्ठे। सुंदर शाह जी चले गए। इह कल्ली कल्ली एवें मिथ नहीं, इह घटना स्थान कहे। भाई सुंदर शाह ने याद किया, अंतर अंतला समा आया। भाई बिधी चंद ने गुरु हरगोबिंद साहिब तो आग्या मंगी। कह लगे महाराज अपने मित्र नाल अपने सज्जन नाल वादा किया है ते मैनू हुण असीस बख्शो, मैं चलिया वा। महाराज दे नेत्र भेजा है, नाले तां असीस दित्ती नाल कह दिता मित्रता होवे सज्जनता ही होवे ते ऐसी होवे। तुरदिया क्या बिधी चंद तू जाके सिखी दी गुरु दी बाणी दी गल करी, जेड़ा तेरे ते मेरे विच अंतर जानेगा सो गुरु तो विछड़िया रहेगा। तू देखो गुरु ते सिख किवें मिले पए, जेड़ा तेरे मेरे विच अंतर जानेगा सो विछड़िया रहेगा। भाई साहब गए ते बहुत अचंभत है गल
के ओना ने सुंदर शाह नु मिले। हिस्ट्री पढ़ के देखो ओना ने इको वेले इको थां ते इकट्ठिया ने अपने शरीर छड़े सी। मैं आप नु बेनती करना मित्रता जिहड़ी हुंदी गुरु तां इत्थों तां कहिंदे ने सिख भी मित्र कह सज्जन कह। आप एक वचन पढ़ दे सोई राग च हुक्मनामा भी कई बार दरबार साहब तोंदा हुंदा इत्थों मैं तां नहीं कहिंदा क्योंकि इत्थे गुरु ग्रंथ साहब दे दूसरे पासे हुंदा ਉਹ ਅਸਲਿਕਤ ਬੀੜ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਸੱਚੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਰੁਲਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਰੁਲਣ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੱਜਣ ਕੌਣ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਉ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਏ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਦਿਸਨ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਕੇ ਸੱਜਣ ਬਣਾਇਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਸੱਜਣਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਕੌਣ ਜੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹ ਮਿਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤਿੰਨੀ ਤਿਆਇਆ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਪਿਆਰ ਚ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਨ ਹੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਮੰਨਦਾ ਇਹ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਚੱਲੇਗਾ ਮਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਰਨ। ਅਸਲ ਚ ਮਨ ਮਿੱਤਰ ਬੜਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਤੇ ਏਦੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਡੋਬਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੰਝ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੋਬ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਵੇ ਤੇ ਡੁੱਬਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਮਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਕੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਅੱਗੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀ ਮਾੜੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਸੀ ਉਹੀ ਮਨ ਉਹੀ ਐਨਰਜੀ ਇੱਕੋ ਦਮ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋ ਗਈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਮਨ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿੰਡਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਖਿਆਲਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਕੀ ਤੇ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਅਪਾਰ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖ ਸੱਜਣ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਕਦੀ ਵਿਛੜਦੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਕਰਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਆਪ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮਿਲਨੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿਤੇ ਮਿਲੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਮਿਲਾਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਆ ਗਿਆ। ਸਲੋਕ ਇੱਕੋ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸੱਜਣ ਕਹੇ ਗੁਰਮੁਖ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਚ ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੀ ਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਥੋੜਾ ਹੈ ਕੁਛ ਨੀ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਆਈ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਕਦੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੁੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੁੜੇ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ ਵਿਛੁੜਿਆ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੁੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ ਮਤ ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵਿਛੜੀ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਛੜਿਆ ਕਾ ਕਿਆ ਵਿਛੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਭਾਏ
प्यार जिन्हां दा परमात्मा तो बिना द्वैत भाव विच खिच है। महाराज कहिंदे जिहड़े रब तो विछड़े ने उहनां दे विछोड़े दी की गल करदे, ਉਹ ਤਾਂ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮਨਮੁਖ ਸੇਤੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਥੋੜੜਿਆਂ ਦਿਨ ਚਾਹ, ਇਹ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਟੁੱਟਦੀ ਵਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਟੁੱਟਦਿਆਂ ਵਿਲਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਤ ਦੋਸਤੀ ਚੱਲਣ ਵਿਕਾਰ, ਇਸ ਮਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਵਿਕਾਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਵਿਕਾਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ। ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਤੇਰੀ ਦੋਸਤੀ, ਮਾਇਆ ਕਾ ਸੰਬੰਧ, ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਾ ਪਾਇਨ ਬੰਦ, ਜਿਚਰ ਪਹਿਨਣ ਖਾਵਣੇ, ਤਿਚਰ ਰੱਖਣ ਗੰਢ, ਜਿਤ ਦਿਨ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਿਤ ਦਿਨ ਬੋਲਣ ਗੰਧ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਧਨ ਤੇ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਸਵਾਰਥ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਨਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਮੂੰਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਪਿਆਰੋ ਜਿੱਦਣ ਪਿਛਾ ਹੱਥ ਕੇ ਚਲੋ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਫਟਕਾਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਵਿਛੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲੱਛਾ, ਲੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਉੱਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਲੱਛਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਲੱਛਾ ਲੈ ਲਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਲੈ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਯਤਨ ਕਰੋ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਲਝਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤੰਦ ਵੱਖਰੀ ਕਰਨੀ। ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਕਦੀ ਵੀ ਸੁਲਝੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਹੋਰ ਉਲਝਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਾਗਾ ਧਾਗੇ ਚ ਵਸੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਜਣ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਗੇ ਹੋਰ ਨੇੜਤਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਜਨ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਛਿੱਜਾ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ, ਜੇ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਲੈ ਕੇ ਸੀਣਾ ਚ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਛਿੱਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੁਰਜਨ ਪ੍ਰੀਤ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਜਰਨ ਬਸਤ ਜਤਨ ਕਰਤ ਫਟ ਜਾਤ, ਸੁਗੜਨ ਪ੍ਰੀਤ ਰੇਸ਼ਮ ਲਸ਼, ਸੁਲਝਾਵਤ ਉਲਝਾਤ। ਜਿੰਨਾ ਸੁਲਝਾਓਗੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਕਾਹਦੀ ਜੀ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਉਹਦੇ ਔਗ ਦੱਸਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੀਸਰਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਰੱਬ ਦਾ ਭੈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਕੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਆਇਆ ਉਹ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸੱਚੇ ਕਾ ਭਉ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਨਾ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਿਉਂ ਕਿਆ ਕੀਚੈ ਦੋਸਤੀ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਜੀ, ਕਾਹਦੀ ਦੋਸਤੀ? ਜੇ ਆਪ ਭੁਲਾਏ ਕਰਤਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕਾਹਦੀ? ਇਹ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦੋਸਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਆ, ਸੱਜਣ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਵਾਰਤਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਤਕ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੋਇਟਰੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਅੰਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜੀਵਣਾ, ਭਰੇ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਾਹੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਉਹ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹ ਚੋਂ। ਸਿੱਖ ਰੋਟੀ ਉਦੋਂ ਖਾਏ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੇ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੀਵ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਲਈ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਏ ਨਾ।
कई बार बंदे रजे होंगे गले तक चीज वेख के अखा ते जीव नहीं रजदी अन्न भुख लगी जीवना भरे ते भरना नहीं जे भरिया पै ते ढिड होर नहीं भरना अन्न भुख लगी जीवना भरे ते भरना नहीं सौना ता जे नींद आए बहुता सौना गाफलताई है। कई बार बंद नींद नहीं आती जी नहीं मैं लम्मा पै जाना सारा दिन ही पै रही बहुता सोना गाफलताई है। अगे कहने अगे नाम जपना सिख सिख नू मिले ते नाम जपे अके शब्द गावना गुरबाणी गाउनी अके गुरु की गल्लां करनी। गुरमुखो मिलदिया भी जदों गुरु की गल करांगे गुरु के शब्द की बात करांगे सतगुरु की गल करांगे उहदे नाल चा मिलदा है। कई बार देखो आपस च बैठे हुए जदों शब्द की गुरबाणी की गल करिए भावे उह गल्लां बाहर मुकी नहीं गुरु ऐसा तुसी उठदिया महसूस करोगे अंदर नू ठंड पैन लग पई है ते बाहर निकल के दिल करदा है कि जपजी साहिब दा पाठ ही क्यों ना कर लईए क्योंकि उह उहदे विच सुकून है। इत्थे सतगुरु कहिंदे ने भाई सज्जनो कि उह बंदियां दी काहदी दोस्ती जिन्हां विच शब्द दा प्यार नहीं गुरु दी प्रतीत नहीं मुहब्बत नहीं। हुण अगे सतगुरु कहिंदे ने महला तीजा दूजा श्लोक है एक इथे मैं खिमा करियो जिथे ईडी नू सियारी ते कक्के नू सियारी आए ना जी एक से एक दा अर्थ एक वचन नहीं करना ए बहु वचन है कई एक सदा एक तै रंग रहे ए बहु वचन रहे। कई सज्जन ऐसे ने जिहड़े सदा एक रब दे रंग विच ही रते रहिंदे अठे पैर ओ सिमरन जी ने एक सदा एक तै रंग रहे तीन कै हौ सद बलिहार है जाऊं इत फिर बहुवचन आ गया तीन के ओना दे मैं ओना तो सदा कुर्बान जाना बलिहार जाना तन मन तन अर्पी। महाराज कहिंदे ने तन मन तन अर्पी तीन को वाहिगुरु जिहड़े सदा रंग च रते ने अपना तन अपना मन अपना तन मैं सब कुछ ओना अगे अर्प दे मैं भेट कर दे निव निव लागो पाए मैं चुक चुक के इत पाए अर्थ पा शब्द पाए पाए पाप चरण पैर मैं चुक चुक के ओना दे पैरां च मत्था टेका जेड़े सदा इको रंग विच रते हुंदे कोई शक नहीं ये कहना नहीं पैंदा सच अंदर चुकन लग पैंदा पर कई वारी इन्हां तुकां दे पखंडी लोग नजायज फायदा भी उठा जांदे बहुत ज्यादा। मैं ता कह रहा मैं निंदिया वाले पासे नहीं तुहाडी सुरत जानी चाहता वह कई बार परपंची लोग की करते इतों तक जिग्यासू नूं लुट्टन लई भी तेनू भरोसा नहीं तेनू ब्लाइंड फेथ नहीं बाणी भी कहती है तू तन भी अर्प दे धन भी अर्प दे मन भी अर्प दे याद रखियो वह तन धन दे ते मन दे थले भी विचार करदी हुंदी जे इस तों सुचेत रहना बहुत जरूरी है। इत्थे सतगुरु कहिंदे ने अपना तन मन धन सब कुछ अर्प दिता तिन निव निव तिन को निव निव लागू पाए मैं उन्होंने चौके क्योंकि गुरमुखो जिन्हें भी असि बार मुखी ये करने ना जी गुरु को मुद्रा जा शरीर दे एक्शन कहिंदे जा शरीर जिवें भी असि गुरु को करने ना हाथ जोड़ने मत्था टेकने परिक्रमा करने हर बार मुखी चिन्ह का अंतरीव अर्थ है। ये सिर्फ केवल नहीं जदो अंतरीव अर्थ गवाच जाए ते बाहर दी चीज नूं भी गुरु खंडन कर देंगे। सुनियो इस बेनती असी आए मत्था टेकिया मैं भी टेकिया तुसी भी टेकिया हाथ जोड़े इस ढांचे ने इस मत्थे ने एक दिन अग च सड़ जाना है बिनसनकार है पर क्यों टेकने मत्था इस मत्थे दे थले अंदर दा कोई अर्थ है क्योंकि मत्था हंकार दा सिर हंकार दा सूचक है। गुरबाणी च कहन लगे अपने हंकार नू गुरु दे चरणां विच रख दे नानक सेवक सोई आखिए जो सिर धरै उतार सतगुर का भाणा मन लै शब्द रखै उतार। मत्था टेकन दा मतलब मेरा ख्याल उदो भाव ही बनाना चाहिदा
सचे पातशाह मैं एक दिन क्या सी गुरबाणी च ना जी, देखो कई सज्जन देखे मत्था टेक दिया ते फिर बैक चल दिया पिछे, उन्हां दे मन च यह होंदा वी गुरु जी वल पिट हो जाणी ते महाराज यह बेअदबी हो जाएगी। नहीं प्यारे, इस तरह ना सोचो। बार पाठ कर दे, एक दिन आया महाराज तुसीं ते समाती दिंदे पए हो, जदों गुरु जी कोल आउणा है मत्था टेक दिया यह भाव बनाइए कि सतगुरु मेरे सिर ते हाथ रख के असीस देंदे आ, जदों बैक जाने पिट हो जाए गुरु वाल उदों यह भावना बनाइए गुरु मेरी कंध ते थापड़ा पिया देंदा। अपने आप अंदर दोवें शब्द आउंदे। कल शायद भाई साहब पढ़ रहे सन कि मेरा हीर है रतन नाम हर बसिया गुर हाथ धरियो मेरा माथा, सिर ते भी हाथ रखदा है ते दूजे पासे गुर थापी दित्ती कंड जीओ, जे कंड हो जाओ ते भी थापड़ा देंदा। जे मत्था टेकने दा मतलब ए वे कि अपनी मत नू अपनी अकल नू अपने आप नू गुरु दे समर्पित कर दिता, फिर असीं परिक्रमा करने हाथ जोड़ के। इस हाथ जोड़न दा अंतरीव अर्थ की है, क्योंकि हिंदुइज्म विच भी हिंदू वीर भी हाथ जोड़दे, नमस्ते मुसलमान वीर हाथ फैलांदे आ दुआ करदे आ। हुण साडे न्याणे उत्थे जी जिहड़े आम तौर ते शहरां च पढ़दे आ जां कॉन्वेंट स्कूलां च, ओह किताब जिहड़ी जोड़दे डिग पए ना इकदम अंज अंज करन लग पैंदे, हांजी इह क्यों करदे आ? इस तरह इस तरह तिन तिन थां करदे आ, अंज अंज ते अंज। उन्हां नूं समझाया जांदा वी इस तरह क्रॉस बनदा, ਉਹ ਈਸਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਅੰਤਰੀਵ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਤਾ ਕ੍ਰਾਸ 28 ਵਾਲਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੋਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੁਣਿਆ 28 ਦੇ ਬੜੇ ਭਰਖਲਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਿਛਾਂ ਕੋਈ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਮੁੱਠੀ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਦੋਨੋਂ ਜੁੜ ਜਾਣ ਉਦੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਈ। ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ, ਤੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਤਰੀ ਵਰਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਜੇ ਊੜਾ ਜਿੱਥੇ ਹੈ, ਜੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਸੱਸਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਊੜਾ ਬੋਲਣਾ, ਆਪਾਂ ਸੱਸਾ ਥੋੜਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਚਿੰਨ੍ਹ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਧੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜੋ ਸਾਊਂਡ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਪਰ ਸੱਸਾ ਕੱਲਾ ਕਦੀ ਬੋਲਦਾ ਦੇਖਿਆ? ਸੱਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਧੁਨੀ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ, ਪਰ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਖਿਆਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਿਆਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਵਿਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਦਨ ਸੰਸਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਕਰਮਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 3 ਵਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇ ਸਿੱਖ ਸਵੇਰੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ, 3 ਪ੍ਰਦਖਣਾ ਕਰੇ ਸੁਜਾਨ। ਲਾਵਾਂ ਚ 4 ਨੇ ਤੇ ਲਾਵਾਂ ਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਦੁਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਅਰਥ ਜਗਤ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸੂਰਜ ਨਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਾਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੁੱਤਾਂ ਕਦੀ ਨਾ ਬਦਲਦੀਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਖੂਨ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਰੁਕ ਜਾਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ
कि परमात्मा तू मेहर करी सानू अपनी खिच विच रखी। मैं आप नू फिर बेनती करा इथे क्या भी मैं उस गुरसिख दे पैरी पैना, एदा मतलब एक है मैं तन मन धन अर्पना वा, ओदे पैरी लगना वा, अपने आप नू समर्पण करना वा। तिन मिलिया मन संतोखी, क्यों जी कहने ओना नू मिल के ना अंदर नू ठंड पै गई, ऐ जी बिलकुल सबर संतोख जे आ गया, तृष्णा भुख सब जाए, अंदर दी तृष्णा अंदर दी भुख जिन्नी भी भुख सी सारी चली गई। नानक नाम रते सुखी है सदा, ओ सज्जन पर करनो चावे जेड़े नाम च रते ने सदीव काल वास्ते सुखी ने। महाराज कहते सच्चे सौ लिव लाए, उन्हां दी सच्चे प्रभु परमात्मा नाल अपनी लिव लगी। ए दो श्लोक धन गुरु अमरदास महाराज जी दे। हुण अगे है पौड़ी, पौड़ी धन गुरु रामदास जी दी है। हुण सतगुरु इस पौड़ी च तिस गुर को हौ वारिया, गुरु दी सिफत करदे तिस गुर को हौ वारिया, मैं उस गुरु तो वारिया दर ते कुर्बान जाना। किदे तो जी, जिन हर की हर कथा सुनाई, जिस सतगुरु ने मेनू खरी की खरी कथा सुनाई, जिसने मेनू परमात्मा दी कथा सुनाई, तिस गुर को सत बलिहार ने, कहिंदे मैं उस गुरु तो कुर्बान जावा जिन हर सेवा बणत बनाई। कहिंदे जिन्ने सेवा दी बणत बनाई बिद बनाई, खरी दी सेवा करन दी बख्शिश कर दित्ती। चलो जिस किस दिन फिर हुक्मनामा इस तरह आ गया सेवा संबंधी, मैं एक बेनती आप नू करा, क्योंकि मैनू पता है अजकल जे कोई भांडे मांजदा मेरे वर्गा अपना भी भांडा नहीं चुकदा, ते जेड़े मांजदे ने उहनां दी भी छुट्टी कर दिंदा। ओह भांडे काहदे मांजदे, पर लोकी तो रेस्टोरेंटां च भांडे मांजदे। मैं एक प्रचारक नू सुणिया, चल नाम नहीं लैणा, ओह जुत्तियां काहदे झाड़दे, पर लोकी ते जुत्तियां वाली दुकान च ही सारा दिन जुत्तियां झाड़ी जांदे, झाड़ू काहदा लांदे पे, जमादार ते सवेरे झाड़ू लाई जांदा। मैं बेनती करा सेवा केवल फिजिकल वर्क नहीं, शरीरक कर्म जरूर है पर कर्म दे नाल ना सेवा आचरण है। मेरे मन च आया एक दिन भी भांडे तो साडे पिंडां विच जेड़े पानी भरदे हुंदे सन, झूर वीर पानी भरदे सन, ते उहनां दीआं कई पीढ़ियां भरदीआं सन, दादा पानी भरदा, पुत्तर पोता, ओह विचारे सारी जिंदगी पानी भरदे सन। फिजिकल कर्म तां कर रहे ने, शरीरक कर्म कर रहे ने, पर इधर बाबा अमरदास 12 साल गागल ढोंदा है, इकला शरीरक कर्म नहीं, निमाणिया दा मान 12 वर लैके गुरु नानक दी गद्दी दा मालक बनदा। सेवा केवल कर्म नहीं, कर्म के साथ आचरण है, सेवा विचो आचरण निकलदा है, पर शर्त एक कि सेवा करदिया बोले ना। हुण कई वारी कई सज्जन सेवा करदे आ जी, मैं उहनां नूं हाथ जोड़ के बेनती करांगा कि सेवा करदिया तुसी घरों नेम बना के आ जाओ भी इन्नी सेवा करदिया मैं बोलना नहीं, लोड़ मुताबक बोलना है, नहीं तो जिन्ना समा मैं सेवा करनी, जां मैं मूल मंत्र, जां मैं गुरमंत्र, जां मैं सिमरन, जां बाणी पढ़नी, सेवा कर रहे बड़ी चंगी गल है, पर यह नहीं कहना चाहिए तुसी निंदिया कर दियो, कोई बाकी कोई फायदा नहीं, पर निंदा मुक्ते नहीं छूटी ने भुल पई सब सेवा, पर बजाय करण भजान दे भाजो तुसी निंदिया करदे, इहनू क्या ना कहीए कि गुरमुखो बस घरों बना लो भी, जे अद्धा घंटा भांडिया च खलोते हां लंगर च बैठे हां असीं सतनाम वाहिगुरु। मैनूं बाबा हरबंस सिंह जी अपने कार सेवा वाले ना ये अकाल चलाना कर गए ना, आप जी नूं पता है पिछले सालां च उहनां ने इक शब्द मैनूं कहा सी इत्थे बंगला साहिब कथा तों बाद, कहिंदे ने भी सानूं बाबा करतार सिंह भिंडरां वाले मिले, उन्हां ने कहा कहिंदे ने बाबा जी असीं ते कल्ली कथा कर रहे हो, निम्रता से उन्हां दी कहन लगे तुसीं तां बस प्रैक्टिकल नाल ही करा दिंदे हो, एक पासे सिर ते टोकरी रखा दिंदे, दूजे पासे सतनाम वाहिगुरु दा जाप करा दिंदे। सेवा नाल जदों सिमरन होवेगा ते उदों सच्ची मुची सेवा दा रस बन लग पेगा। फिर याद रखो बाहर मुखी कर्म करदिआं शरीर थकेगा, सेवा करदिआं सिमरन नाल चलेगा ते शरीर थकावट नहीं महसूस करेगा, क्योंकि सिमरन पर यह सब कुछ प्रैक्टिकल है, गल्लां नाल नहीं। हजूर सच्चे पातशाह महाराज कहिंदे आ तिस गुर को हों सत बलिहार ने जिन हर सेवा बणत बनाई,
जिन्हें खरी दी सेवा दी विध बना दिती। फिर अगे महाराज कहिंदे आ, इह मेरा सज्जन ओह वी जिहड़ा छड्डदा नहीं, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल, ओह मेरा प्यारा सतगुरु मेरे अंग संग है, जिथे किथे मैनू इथे मैं बेनती करांगा। एक तो इहदा पाठ कदी नन्ने थले दुलेंकर ला के नहीं करना, मैनू इथे गोड़ा लगा। सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे ओह मेरी बख्शिश करके मेरे ते बख्शिश करके मैनू छड़ा लैंदा। गुरु जी कहिंदे तिस गुर को शाबाश कहे जिन हर सोची पाए। मैं उस गुरु नू शाबाश कहना, धन कहना, जिन्हें मैनू शब्द रही रब की सोची दे दित्ती परमात्मा दी। नानक गुर विटों वारिया, धन गुरु रामदास कहिंदे मैं अपने गुरु तो कुर्बान जाना, वारिया हाँ जिन हर नाम दिया, जिन्हां ने तरस करके मैनू नाम बख्श दिता, मेरे मन की आस बुझाई, मेरी जिंदगी का मकसद से नाम मिल जाए, गुरु ने नाम दिता मेरी आस पूरी कर दिती। इनिया बेनतियां स्वीकार करियो, होइया बेअंत भुलां साध संगत जी बख्श देनिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की।